क्या मैं मुख्यमंत्री रहूं? इसी नूरी लड़ाई में दोनों लगे हुए हैं और बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, बिहार से पलायन हो रहा है, अराजक स्थिति हो गई है, जंगल राज 3 स्थापित हो चुका है। आज दयानिधि मारन का यह कहना, बिहार यूपी के हिंदी भाषी लोग आते हैं और यहाँ शौचालय और सड़क साफ करने का काम करते हैं। दयानिधि मारन जी, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण हो रहा है। आज वैसे सफाई कर्मी जो पूजे जाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रयागराज में सफाई करने वाली बहनों का पांव पकारे थे, आज जो स्वच्छता अभियान में लगे हुए हमारे भाई बहन हैं उसका सम्मान प्रधानमंत्री जी करते हैं, बढ़ाए हैं और आज अपमानित कर रहे हैं। यह तुष्टिकरण की नीति है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बांटने की यह बात। दयानिधि मारन, गठबंधन के हम नेताओं से कहना चाहेंगे, पार्टियों से कहना चाहेंगे कि हिम्मत है दयानिधि मारन से, जो वह आपत्तिजनक बातें जो कही है उससे उसका आप भी विरोध करो, तिरस्कार करो उसका। कोई नेता उस जिले में हो, उसके आसपास हो, जहां कोई व्यक्ति किसी जवान का शव आया हो, लोग में मातम हो, वहां उनकी अर्थी जुलूस के साथ लोग श्मशान घाट जा रहे हों, अब बगल में आरजेडी के एक नेता लालू जी के एक सुपुत्र वहां माला पहन कर खुशियां मना रहे हैं, स्वागत करा रहे हैं, मर्यादाओं का। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। डीएमके के नेता उदयनिधि मारन ने हिंदी बेल्ट क्षेत्र के लोगों के लिए कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग यहां आते हैं और सफाई करते हैं और मजदूरी करते हैं। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति काफी गर्म हो गई है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जमकर इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं पर जमकर हमला बोला। आइए सुनते हैं नित्यानंद राय ने क्या कुछ कहा। चौपट कर चुकी है, या मैं मुख्यमंत्री रहूं इसी नूरी लड़ाई में दोनों लगे हुए हैं और बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, बिहार से पलायन हो रहा है, लोग भयभीत हैं, बच्चे स्कूल जाने से भी भय खा रहे हैं, माँ और पिता बच्चों के सोचते हैं कि स्कूल भेजे कि ना भेजे, एक अराजक स्थिति हो गई है, जंगल राज 3 स्थापित हो चुका है। आज नीतीश जी, तेजस्वी जी, आपको हम सावधान कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ठीक नहीं रहेगी। दयानिधि मारन का यह कहना, बिहार यूपी के हिंदी भाषी लोग आते हैं और यहाँ शौचालय और सड़क साफ करने का काम करते हैं। दयानिधि मारन जी, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण हो रहा है और आज वैसे सफाई कर्मी जो पूजे जाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रयागराज में सफाई करने वाली बहनों का पांव पकारे थे, आज जो स्वच्छता अभियान में लगे हुए हमारे भाई बहन हैं उसका सम्मान प्रधानमंत्री जी करते हैं, बढ़ाए हैं और आज अपमानित कर रहे हैं। यह तुष्टिकरण की नीति है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बांटने की यह बात। दयानिधि मारन सुन लीजिए, अब यह भारत नरेंद्र मोदी का भारत है, यहाँ कोई विभेद पैदा नहीं कर सकता, सबका साथ सबका विकास और न्याय और सम्मान के साथ यहाँ सारे काम हो रहे हैं, सबका सम्मान है, लेकिन आप अपमानित करने की कोशिश कर रहे उत्तर भारतीयों को, तो इसके लिए देश से माफी मांगना पड़ेगा। और इंडी गठबंधन के हम नेताओं से कहना चाहेंगे, पार्टियों से कहना चाहेंगे कि हिम्मत है दयानिधि मारन से, जो वह आपत्तिजनक बातें जो कही है उससे उसका आप भी विरोध करो, तिरस्कार करो उसका। सर, बार बार बिहारियों को आखिर क्यों टारगेट किया जा रहा है? कभी तमिलनाडु, कभी कर्नाटक, हर जगह पे बिहारी बिहारी करके लोग पिट जा रहे हैं। देखिए, या कुछ ऐसे उपद्रवी लोग हैं, चाहे वो राजनीति में ही काम कर रहे हो या जिस प्रकार के लोग हों, इस प्रकार की बात वही करते हैं जो विभेद पैदा करना चाहते हैं। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, यहाँ सबका सम्मान है, शौचालय साफ करने वालों का भी सम्मान है और सड़क बहारने वालों का भी सम्मान है। देखिए, यह बहुत ही कोई नेता
उस जिले में हो, उसके आसपास हो, जहां कोई व्यक्ति किसी जवान का शव आया हो, लोगों लोग में मातम हो, वहां उनकी अर्थी जुलूस के साथ लोग श्मशान घाट जा रहे हों, अब बगल में आरजेडी के एक नेता लालू जी के एक सुपुत्र वहां माला पहन पहन कर खुशियां मना रहे हैं, स्वागत करा रहे हैं, यह मर्यादाओं का उल्लंघन है। जिसकी जैसी सोच है वैसी वह काम करते हैं। सर, एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष को गोली मार दी गई, लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है। किसी भी पार्टी का हो, यह बहुत आपत्तिजनक है और आज ही नहीं हुआ है, रोज हो रहा है। जब से तेजस्वी जी और नीतीश जी की सरकार बनी है उस समय से रोज हत्याएं हो रही है। जब से इनकी सरकार बनी है एक साल से ज्यादा हुआ, और एक साल से ज्यादा नहीं, 4000 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई। खुलेआम अपराधी यहाँ घूम रहे हैं, गोलियों की बौछार कर रहे हैं, भय का वातावरण है, लोग का पलायन हो रहा है और विधि व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। और नीतीश जी तेजस्वी जी कौन मुख्यमंत्री रहेगा, आपस में इसी में उलझे पड़े रहते हैं और बिहार चौपट हो रहा है, बदनाम हो रहा है, बिहार में बेरोजगारी बढ़ रही है, बिहार में भय का वातावरण है, बच्चे भी स्कूल जाने से कतराते हैं। तो आपने सुना नित्यानंद राय सीधे तौर पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उदय निधि मारन के द्वारा जो ये बयान दिया गया है काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, ये देश को विभाजित करने वाला बयान है। क्योंकि अगर बात की जाए तो हिंदी वेल्ट क्षेत्र के लोग जितना मेहनत करते हैं वो जग जाहिर है। इन्हें पता होना चाहिए कि हिंदी वेल्ट के क्षेत्र के लोग यूपीएससी जैसे प्रतिष्ठित एग्जाम क्रैक करते हैं, ये मजदूरी भी करते हैं और मेहनत भी करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सफाई कर्मचारियों को सम्मान देते हैं, उनके पैर धोते हैं, और यही इंडिया गठबंधन के लोग जो है उन्हें अपमानित करते हैं। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।